कल सेमीफाइनल में हमारे जो जज साहबान थे उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब जो छः के छः कंटेस्टेंट हैं उन सबको यहाँ लाया जाए, अनमता अहमद, काशान अहमद, अली रज़ा, तंजीर इसहाक, कहकशां सुहेल और गजाली उज़्ज़मा, छः के छः कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद हैं। इनका आपस में मुकाबला है। आप तक हमारा ये मुकाबला पहुंचाने में हमारी मदद की कोलगेट मसवाक ने। कोलगेट मसवाक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं जनाब के आपको ये उम्रा सादत हासिल करने का मौका फराहम कर रहे हैं। पैक पे मौजूद नंबर पे आपने मिस्ड कॉल देनी है और शामिल हो जाना है एक ज़बरदस्त कुरानंदाजी में, और इस कुरानंदाजी में शामिल होने की जो आखिरी तारीख है वो 25 अप्रैल है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि मौका ज़ाया मत करें, कोलगेट मसवाक का पैक ख़रीदें और शामिल हो जाएं इस कुरानंदाजी में। खूबियां मसवाक की और सादत उम्रे की कोलगेट मसवाक। और अब देखना ये है कि हमारे जज साहिबान आज क्या करते हैं हमारे जो ये फाइनलिस्ट हैं इन लोगों के साथ। तो सबसे पहले हसन भाई आपसे मैं पूछूंगा, आप अस्सलाम वालेकुम, आप क्या क्या हाल हैं, कैसे हैं? रिजवान भाई आप आज माशाल्लाह जज साहिबान भी तैयार होके आए हैं, क्या बात है जी। तो क्या करना है आज इन छः के साथ, कोई टास्क दे रहे हैं या आप ऐसी जर्नली लेके चल रहे हैं इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बड़ा मुकाबला है और आज बड़ी मेहनत करके ये पूरा महीना बड़ी तैयारी की इन्होंने, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ तक पहुँचे, तो एक चांस हम इनको ये देंगे कि अपनी मर्ज़ी से एक कलाम ये पढ़ेंगे एक एक अंतरा और रिपीटेशन नहीं करेंगे तो, ताकि हम टास्क भी कर सकें। तो एक आप आइए, सही है ज़्यादा बेहतर सही है। तो एक कलाम अपनी मर्ज़ी से ये हमें एक अंतरा ज़रूर सुनाएं। बस एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है जी जी कि बेटा जो भी मुकाबले में बच्चे हैं आइंदा भी कभी जाएं तो एक बात याद रखिए, जजेस का फ़ैसला हतमी और आखिरी होता है और उसमें तब्दीली भी की जा सकती है, क्योंकि हमने इस साल जो ज़रा यहाँ पे कुछ भुगता है तो उसके लिए अब मैंने सोचा है कहीं भी जाएंगे हम डिस्क्लेमर पहले दे देंगे, तो आप लोग ये बर्दाश्त कर सकें तो मुकाबले में आइए वरना नहीं। ख्याल करना है कि अभी जो कलाम पढ़ने हैं वो कलाम हों जो अब से पहले आपने नहीं पढ़े हुए। हाँ ठीक है जी जी, टाइमर रहेगा जी। फैसल भाई बिस्मिल्लाह करें जी, 2.5 मिनट का। तो स्टार्ट करते हैं हम अनमता से। अनमता आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो जो जिस बच्चे का नाम लें वो इस, बिल्कुल ठीक है। अब आप बिस्मिल्लाह करके वाह क्या जूदो करम वाह क्या जूदो करम है
माशाल्लाह जी। मैंने इसलिए बार बार आपसे कहा कि एक अंतरा पढ़ना है और रिपीटेशन ना करें, ढाई मिनट के अंदर अंदर वो टाइमर लगा हुआ है, वो जैसी होगा आवाज़ बंद कर दी जाएगी। बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट कंटेस्टेंट हम दूसरे ग्रुप से ले लेते हैं जो कल चेंज किया था। टास्क कभी नहीं दे रहे। अच्छा ओके, गजालियुज़्ज़मा बिस्मिल्लाह। इतने सारे सवालात आ रहे हैं उलमाए कराम के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मैनेज होगा। बिस्मिल्लाह जी बेटा, बिस्मिल्लाह। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुस्ने सौत का जमजमाए से मेरा कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते अर्फ से माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। कहकशां सुहेल माशाल्लाह बेटा आ गए जी, आगे बढ़े जी। क्या कह श्याम बेटा, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर कोई
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब बताएं काशान अहमद। काशान भाई उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा क्या बात है माशाल्लाह। हाँ भाई अली रजा। अली रजा बिस्मिल्लाह। सरवर के कहूं
माशाल्लाह आखिरी तंजील इशाक रह गए माशाल्लाह तंजील आई है बिस्मिल्लाह ऐसा तुझे अच्छा जी, इससे पहले कि हमारे जज साहबान किसी फैसले पे पहुंचे हैं या कोई वर्डिक्ट सुनाएं, मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए रमजान में बोल, ब्रॉट टू यू बाय रूह अफ़ज़ा। हमारे जज साहबान तकरीबन फैसले पे इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि थोड़ा सा कुछ और जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए। क्या करना चाह रहे हैं आसान भाई? ताबिंदा आपा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपा से मशवरा किया हमने कि कुछ छोटा सा टास्क तो होना चाहिए, और वो टास्क बड़ा मशहूर जिस तरह आपने कल देखा था सेमीफाइनल में कि अच्छी वो जो मशहूर ज़माना कलाम थे पर्चियाँ निकाली थी। अब इस तरह होगा कि मैं कलाम पढ़ूंगा तो मैं जो कलाम शुरू करूंगा उसका अंतरा आपने पढ़ना। माइक दे दीजिए हजरत। ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। वन बाय वन यहाँ से शुरू करते हैं और उनका शान से शुरू कर लेते हैं। अगर मैं अंतरा पढ़ूंगा तो आपने अस्थाई बतानी है, और अस्थाई पढ़ूंगा तो आपने अंतरा पढ़ना। ठीक है जी, ज्यादा मुश्किल मत देना। नहीं नहीं, मैं मशहूर जमाना इंशाल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूला, हमारा नबी दोनों आलम का दूला, हमारा नबी सबसे आला हो आला जी। गजाली गजाली के लिए भी बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम वहां जाके वापस आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बेटी के पास आया तो एक बड़ा खूबसूरत कलाम है।
चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, नूर से नूर देखो जुदा। फिर से सुने। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आगे बढ़ाया, सबसे ये कहने लगी। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे बढ़ाइए। अली रजा, अली रजा। करने रोजे का दीदार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। माशाल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है, जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, टास्क भी हो गया माशाल्लाह, और क्लियर हो गया। कुछ इससे पहले कि आप लोग जी आपा नहीं, मैं कह रही हूँ बस आज आसान था हमारे लिए। आसान था, हम तो बहुत परेशान होके आए थे कि आज करेंगे क्या। मैं ज्यादा आप लोगों से ज्यादा मैं परेशान हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो चौथी पोजीशन पे होंगे हेबा लाइव हैम्पर और चेजअप हैम्पर उनको मिलेगा, जो थर्ड पोजीशन पे होंगे हेबा लाइव हैम्पर चेजअप हैम्पर और प्रेशर कुकर है उनके लिए। सेकंड पोजीशन पे जो आएंगे उनको एनएक्स स्लाइस टोस्टर ड्राई आयरन एवन केटल हेबा लाइव हैम्पर चेजअप हैम्पर और फुटाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है जी। और जो विनर हैं उनके लिए चेजअप गिफ्ट हैम्पर है, फुटाइल गिफ्ट बॉक्स है, हेबा लाइव हैम्पर है, प्रेशर कुकर है, आयरन है, लैपटॉप है और एलईडी है 32 इंच की। सो ये है जी पहले, अब आप बताएंगे अल्लाह पहले कुछ आज तक का आप सबका सफर आज तक का यहाँ पर तमाम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आगे ये सफर चलता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, जो आगे ना जा पाए दिल छोटा मत करें। इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, जिंदगी इसी का नाम है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। सो थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा और मुकाबले को मुकाबले की तरह लें, उसको दिल पे ना लें। मैं ये बात कहता हूँ, बात कह रही हूँ। एक बच्ची हमारे पास आई थी किरण फातिमा जी, जो आउट हो गई कल, वो एक चैनल पर दूसरा इनाम जीता उसने और एक पे पहला इनाम जीता। तो मैंने उससे कहा कि देखो ये है, ये कभी होता है और कभी नहीं होता, तो ये बता रही हार कभी जिंदगी में रुके नहीं, हिम्मत नहीं हारे। ओवरऑल तो बहुत अच्छा ही रहा सब, अनमता मेहनत करके आई, जमा हुआ पढ़ा और दूसरे हमारे क्या नाम था मुश्किल गजाली, बहुत प्यारा पढ़ा। काशान भी बहुत सेट थे और अली रजा बेटा सब कुछ अच्छा था। गुल जेबा नहीं है, गुल जेबा, ठीक है ना। और हमारी कौन रह गई अब, कहकशां। कहकशां आज बहुत नर्वस थी, बहुत प्रेशर में थी बेटा। आपने असल में मुझे यूं है ना, वो आज़म साहब का खर्च दूसरा ही है जी। तो हम यूं जब हम बहुत नीचे जाके ले रहे हैं तो उसके बाद आपको मुश्किल है, ज़रूरी थोड़ी कि हर एक का गला अलग होता है। फिर तुम वहाँ से गड़बड़ाई, उसके बाद तुम अंतरे में आउट हो गई, बहुत तेज़ हो गई। आज ऐसा होता है, सबसे बेस्ट हमारा दौड़ ये कैंडिडेट रहा हमेशा,
हमें हमेशा अंदाजा तुम बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू। सब अच्छा पढ़ने वाले माशाल्लाह, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जिसके ऊपर नंबर्स माइनस हुए हैं, और आज भी नंबर्स बहुत ज़्यादा कोई करीब करीब ही हैं। कहकशां बेटा, आपने जो कलाम चूज़ किया था, कलाम तो बेहतरीन था, मुझे ऐसा लगा सुर छोटा बांधा, जिसकी वजह से आप उसकी फील भी नहीं ला सकी और थोड़ा सा घबरा भी गई। तंजील साक, आपने बेहतरीन कलाम, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, जिस तरह अली रज़ा ने कलाम कलाम पुराना था और तर्ज बिल्कुल नई उन्होंने उस पर पेश करने की कोशिश की, जिसमें अंतरे के अंदर उन्होंने माशाल्लाह भिड़ार बहुत अच्छा बेहतरीन गले का काम करते, थोड़ा सा आउट हुए लेकिन बहुत खूब निभाया। अनमता अस्थाई में एक जगह आप भी थोड़ा सा आउट गई, और अंतरा मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी पड़ा आपने। बाकी काशान बेहतरीन कंट्रोल्ड पढ़ते हमेशा की तरह, और हमारे गजाली जमा माशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ आए, पता लगा। नंबर्स दे दिए हैं तीनों जजेस ने, और मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि रिजल्ट पहले बना हुआ था, आप सबकी आंखों के सामने ही यहाँ कार्ड रखे हुए थे। ये जो अभी टास्क हुआ था ये ऐसे ही आपसे आपके साथ नाद शरीफ पढ़ने का प्रोग्राम था। हमने कहा नाद भी पढ़ते हैं आपके साथ मिलकर, तो रिजल्ट तो हो गया है। अब मैं जिस जिसका नाम लूँगा, या पहले तीन क्या करें, माइनस करें क्या प्लस करना है फैसल भाई? अप टू यू, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बहुत शरारती सी मुस्कुराहट है। नहीं, शरारती नहीं है, मैं टेंशन में हूँ। ये असल में ये कम टेंशन में होता है, मैं ज्यादा आ जाता हूँ। सही बात है। और जी देखिए, इससे पहले कि आप रिजल्ट की तरफ बढ़े, आप लोग किचन रैप अप करें जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो आप जल्दी से देख लीजिए, साद भट्टी ने हमें बना कर दिया है पास्ता। इसको नाम दे, नाम बना लेते हैं हर्ब एंड मशरूम, हर्ब एंड मशरूम क्रीमी पास्ता। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, आप चिकन के पीसेस कट भी कर सकते हैं, और जब आप क्रीम मिक्स करते हैं तो उसी टाइम आप पास्ता डाल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स के शेफ की क्या मर्जी है, और डिफरेंट प्लेटिंग भी की जा सकती है। थैंक यू करामत फॉर फ्राइंग सुब्रोसो के, और आपने केक बहुत ज़बरदस्त बनाया, ये तो ये लोग खा के ही हमें बताएंगे। एंड यस, आप इसमें कस्टर्ड की बनी हुई, रफान कस्टर्ड से बनी हुई ये मिठाई देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और इन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास ग्रैनीज के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो साथ अभी अभी काटें, मैं आप लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया फिर आप लोग चले जाते हैं, तो मैंने कहा मैं हाथ के हाथ काट देता हूँ। सो थैंक यू, हमारा तो प्लान था आज बैतबाजी का। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये वैसे आपने क्या बोल, रमजान में बोल, और ये तो बिल्कुल वो वाली बात है कि ईद आ गई और बस फिर अब थी। मुझे असल में छुरी चलाने की आदत है। ये आप साथ को दें, साथ थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक आने के लिए हमारे पास और हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू भजिया, थैंक यू। तो कल नहीं आ रहे ये लोग? नहीं नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बट फॉर द सेफ साइड, क्योंकि इनके गिफ्ट हैम्पर्स मेरे पास आ गए थे। थैंक यू ग्रैनीज हमारे गेस्ट को गिफ्ट हैम्पर्स भिजवाने के लिए। मैं आपसे थैंक यू आपको, और प्लस आपको कांग्रेट्स के पूरा महीना आपने बहुत जबरदस्त ट्रांसमिशन की, इफ्तार की हमने देखी, एंजॉय भी की और बड़ा मजा आया। थैंक यू। रिजल्ट की तरफ चलते हैं यार, देखें रिजल्ट क्या, जान निकली हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। आसान भाई, भाई रिजवान का माइक खोल दें, उसका मुंह बंद किया हुआ आप लोगों ने। माशाल्लाह तीनों माशाल्लाह, छह के छह बच्चे थे आज कंपटीशन के ग्रैंड फाइनल में यहाँ तक पहुँचे हैं, शुरू से लेकर अब तक बहुत अच्छा पढ़ते हुए आए हैं। आज जब ये यहाँ पर खड़े हुए आकर, तो छह के छह बच्चे जो हैं प्रेशर में नज़र आए हैं। तो बहरहाल आप सब ने बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की। अनमता अहमद ने वाह क्या जुदो करम कलाम पढ़ा, अच्छा कंट्रोल करके पढ़ा। और काशान अहमद को एक बात कहूँगा, काशान थोड़ा सा ना नाक का इस्तेमाल कम किया करें अपनी बढ़त में। आप जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नेज़ल आपका बहुत ज़्यादा वाज़े हो रहा होता है। अली रज़ा, आज आप चूँकि एक बड़े मुकाबले में थे, आपने एक नई चीज़ पढ़ने की कोशिश की, उसको निभाया भी, लेकिन कहीं अंतरे में एक से दो जगह पर आप सुर से आउट हुए, लेकिन वापस आप आ गए। कोशिश किया करें कि जब कोई अच्छा बड़ा मुकाबला हो तो ऐसी चीज़ पढ़ें जिस पर आपको भरपूर ग्रिप हासिल हो। और तंजील इसहाक, आपने भी कलाम अच्छा, ऐसा तुझे खालिक ने, अब जो ऐसा पे आपने जगह कही वो अगर आप तुझे पर कहते तो और ज़्यादा फील आती। और कहकशां, जिस तरह हसान भाई ने और ताबिंदा आपा ने कहा कि आज कंफ्यूज नज़र आई हैं, इनका स्टार्ट थोड़ा सा नीचे सुर से था, अगर हाफ नोट ऊपर होता या एक सुर ऊपर होता तो आप और अच्छा पढ़ सकती थी।
गजाली ने माशाल्लाह भरपूर तरीके से, और जो ऊपर आपने तेरे सिवा पर कंट्रोल करके जो जगह कही माशाल्लाह। और एक बात कहूँगी बेटा, छह लोग हों या चार लोग हों, माइक नीचे कर दो, आंखों में से आवाज आ रही है, तो आपको रिजल्ट हो जाए या 12 लोग हो जाए, आपका दिन है, आपने काम किया है, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। आमीन। सो रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, बच्चों की और मेरी जान मत निकालें खुदा के वास्ते। यहाँ बुला लूं? एक एक करके आगे पीछे करते रहे। अच्छा जी, पहले थर्ड पोजीशन बता। पहले थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन 25 नंबर्स लेकर काशान अहमद, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन काशान। चौथी भी बता दो, क्योंकि चौथी भी हमारे पास। अब चौथी बताता हूं, 8 लाख, 8 लाख, वेरी क्लोज। चौथी पोजीशन जो आई है वो है 24 नंबर लेकर एक नंबर कम, अनमता अहमद। अनमता आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, फोर्थ पोजीशन पे अनमता, इधर आ जाओ बेटा। अब बता देता हूं मैं फिफ्थ पोजीशन एक नंबर और कम कर लें 23 नंबर्स के साथ, तंजील इसाक। फिफ्थ पोजीशन है, आप पीछे जाओगे दो स्टेप, कर दी थर्ड है, फिफ्थ जी। सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन 20.5 दो स्टेप पीछे हो जाओ, हाँ 20.5 नंबर्स लेकर सबसे कम आज के नंबर्स आए हैं, कैकशां सुहेल। कैकशां बेटा दो स्टेप पीछे अब रह गए। अब इन दोनों में से कोई एक जो है वो पहले नंबर पर है, और टोटल 1.5 नंबर का फर्क है, और कोई एक जो है एक भी नहीं है, और 1.5 नंबर का फर्क है। जबकि मैं बता सकता हूं, मुझे नहीं पता कि आपने क्या फैसला किया है, लेकिन दोनों को बुला लेना पहले, आप यहां देख लें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। वाह वाह, तो अगली साल आपकी सीट यहां आ जाएगी। नहीं मेरी नहीं आएगी, ये मैंने लिखा है, मुझे नहीं पता मैं सही हो सकता हूँ गलत हो सकता हूँ। तो अब ये है कि मैं फैसल भाई, इन दोनों को भी बच्चों को यहाँ बुला लें। मैं चाहूंगा अली और गजाली दोनों आगे, आप इधर आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह पाक। आप दोनों में से एक आज विनर है और एक सेकंड पे। बहुत अच्छा पढ़ा है तुमने, बहुत अच्छा पढ़ा है तुमने। अब आप दोनों में से विनर कौन है ये अभी फैसला हो जाएगा। हमारे स्टार नाथ खां, वैसे तो ये 6 के 6 स्टार नाथ खां हैं, बल्कि जितने भी यहाँ पर आए, पर पहली पोजीशन आज किसने हासिल की है? जिस बच्चे ने हासिल की है उसने तीनों जजेस से सेम नंबर लिए हैं, 9 out of 10 लिए हैं, 999, जिसके साथ 27 नंबर्स आउट ऑफ 30। और दूसरे बच्चे ने जिसने सेकंड पोजीशन ली है उसने 9, 8 and 8.5 लिए हैं। सो पहली पोजीशन पर हैं गजाली उज़्ज़मा से देखी, माशाल्लाह, गजाली इज द स्टार नाथ खान विनर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, वेरी क्लोज माशाल्लाह, वेरी क्लोज अली, बेहतरीन माशाल्लाह, वेरी क्लोज बेटा, मेरे बड़े पसंदीदा रहे आप, लेकिन कोई नहीं, हार्ड लक, सबने पढ़ा, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। अरे आप मुबारक गजाली भाई, आप लोग भी राजा, आप रो रहे हैं, माशाल्लाह आप जीत गए, क्या बात है, क्या बात है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। देखिए ये क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे हसन आपा रिजवान, जो गजाली की एक बात बहुत अच्छी लगी, और ये मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, अपने अपनी फील्ड में भी समझाता हूँ, और जब हम कहीं होते हैं वहां पे भी मैं ये समझाता हूँ, गजाली ने कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, जो नेचुरल इसका पूरा टैलेंट था इसने वो किया, माशाल्लाह, कहीं कोई इसने एक्स्ट्रा, कहते हैं ना कि मैं जरा चार चीजें और करके आपको बताता हूँ, कि खामा खा दो मुर्गियां और लगा के मैं आपको बताता हूँ कि मैं और अच्छा कर सकता, जो है अपनी रेंज में, अपनी रेंज में बेहतरीन पढ़ा, सब माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ने वाले सब, सब सब जितने भी बच्चे इस मुकाबले में शामिल हुए बोल टेलीविजन के स्टार नाथखा में, पहले दिन से लेके और ऑडिशन से लेके अब तक, सब बेहतरीन नाथ खां, सब स्टार नाथ खां है, ये मुकाबले का हिस्सा है, कोई आगे आता है कोई पीछे जाता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारनी। आप ये देखिए कि ये तकदीर होती है, अली रजा कल बाहर थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कामयाबी लिखी थी, वो आज
हालांकि आपा मैं आपको बताऊं, अली जिस दिन पहले दिन आए थे हाँ। मैंने हसान से कहा था, मैंने कहा ओ मैंने कहा वी हैव अ विनर, बट आज थोड़ी सी मेरे ख्याल से पिछले दो तीन दिन से अली ने मुझे लग रहा है प्रेशर ज्यादा लिया। तो अली को गिलास को भरा आधा भरा देखना चाहिए, ये तो कल बाहर थे आज विनर में खड़े, बट जिंदगी चलती है। गजाली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। आप लोग माशाल्लाह से इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। लाएं भाई वो जो शील्ड है वो दे दें, ताकि बच्चों को यहाँ पे वो शील्ड दे दी जाए, जो इनामात हैं वो बांट दिए जाएं। जल्दी ले आएं बेटा, ये लाइव ट्रांसमिशन है, रिकॉर्डिंग नहीं है कि कट लगेगा और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। सो अच्छा ये अभी फैसला हो रहा है, माशाल्लाह हो गया, और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में कामयाब रखे, आमीन। और इसी मोहब्बत के साथ इस तरीके से नात पढ़नी है कि अल्लाह और उसका रसूल आपको समाप्त कर रहे हैं, और आप उनके इस अदब के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि ये एक पैगाम है जो आपके लिए ड्यूटी लगी है, उसको जहाँ तक फैला सकते हैं फैलाएँ, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, ये मंजिल तो बहुत आगे है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन नात खां बनेंगे पाकिस्तान। जी ये है थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर आइए अली, ये सेकंड, ये लीजिए अली, इधर आइए सेकंड पोजीशन। जी अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जी ये थर्ड पोजीशन के लिए थर्ड पे आए, ये काशान आ गए, काशान आ जाओ बेटे, बहुत सरील हो, बहुत आगे तक जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। और रिजवान आ जाए जरा, फर्स्ट पोजीशन को आप तीनों मिलके देंगे, आ जाओ भाई। गजाली मियां आप बीच में है ना, असल तो फैसला आप जिस तरह आपने किया है जबरदस्त भाई, पर्ची आपकी पहले जी। और ये राव करामत सनागार की जानिब से ये जो रनर्स अप हैं उनके लिए हैं बेटा, ये आपके लिए है, ठीक है। ये भी राव करामत साहब की तरफ से बेटा आपके लिए, रनर्स अप के लिए, और बेटा ये भी आपके लिए, और भी हैं। गजाली आए फैसल भाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। आप हाथ लगाइए जरा इसमें बच्चे को, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे। इनके सर्टिफिकेट्स भी इनको दे दीजिए, इनकी चीज़ें भी इनको दे दीजिए। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच हसान भाई, थैंक यू। और अगर बफजल खुदा ये ताबिंदा आपा के लिए है, हाँ, ताबिंदा आपा ये आपके लिए है जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये हमारे हसान भाई आपके लिए है सर्टिफिकेट, थैंक यू वेरी मच जनाब, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया बोर्ड टीम का, आपका तमाम इंतजामिया का, तमाम। ये कौन है, हाफिज रिजवान घुमन, अच्छा सॉरी, ये हमारे रिजवान भाई के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, थैंक यू सो मच। अगर कल रोजा हुआ तो मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि प्लीज तशरीफ लाएं, कुछ और हम यहाँ पे बच्चों को बुला के मजीद नात खानी भी सुनेंगे, और हमने और भी मुकाबले रखे हुए हैं। ईद थोड़ी है, ईद थोड़ी है, ये देखो शेफ्स को सिर्फ खाने पीने की पड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच, ग्रेट जर्नी, बड़े ईमानदारी से जो जो हमें लगता रहा, अच्छा अभी तक मैं सारा सिलसिला चलता रहा, ये आप देख लें, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, गजाली उज़्ज़मा पे 3 स्टार लगे हुए हैं, ये देख लें, मैं भी बैठा हुआ जज कर रहा था आज, लेकिन सीरियसली बहुत जबरदस्त। फिर हम बहसियत इंसान, हमसे भी गलती हो सकती है, इस वक्त हम हमारे सुनने में जो इस वक्त हम सुन रहे होते हैं अपनी समात के मुताबिक उस वक्त फैसला देने की कोशिश करते हैं, किसी से किससे राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, तो इसको प्लीज़ दिल पर ना लीजिएगा, बच्चे भी और उनके देखने वाले भी, उनके चाहने वाले भी, कोशिश करें कि हम बच्चों को इनकरेज करें, बजाय इसके कि उनको ये कहें कि आपने बेटा अच्छा पढ़ा और आपको आपके साथ गलत हुआ, हाँ। बल्कि इसकी जगह हमें ये करना चाहिए कि बच्चों को और हौसला दें कि बेटा और हिम्मत के साथ और बेहतर अंदाज से आओ, ताकि आपको इस तरह के नंबर्स माइनस ही ना हो। जी आ जाएं ताकि हम पिक्चर्स करते हैं, और हम जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देखते रहिए रमजान में बोल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया।
लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।